उत्तर प्रदेश में पुलिस के गुंडागर्दी की अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। क्या हो जब पुलिस से जज बन जाए, मुंसिफ बन जाए और पुलिस से इंसाफ करने लग जाए। एक आरोपी जो कि बलात्कार के केस में जिसे पुलिस थाने लेकर के आती है, मगर वहां पहुंचने के बाद पुलिस का बर्बर चेहरा देखिए, पट्टों से किस तरीके से एक शख्स की बुरी तरीके से पिटाई करती हुई पुलिस दिख रही। देखिए पुलिसकर्मी है, ये वर्दी में है, थाने के अंदर है, एक मोटे पट्टे से एक शख्स की पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये शख्स बलात्कार का आरोपी है, मगर डेढ़ महीने पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। वली मोहम्मद थाना अध्यक्ष हैं, ये इसी थाने के बिजनौर का मामला है जहां पर कुछ इस तरीके से वली मोहम्मद थाना अध्यक्ष का गुस्सा भड़कता है और इस शख्स पर जो कि बलात्कार का आरोपी है पट्टों से लेकर के उसकी पिटाई कुछ इस अंदाज में करते हुए दिखते हैं। हालांकि अब देश का संविधान, देश का कानून जिसके मुताबिक सजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अदालतों को है, जुडिशरी को है, पुलिस सिर्फ कानूनी प्रक्रिया को पूरी करती है, मगर पुलिस इस अंदाज में पिटाई करती हुई दिख रही है। और पुलिस का यह चेहरा सिर्फ बिजनौर तक महदूद नहीं रहा, उत्तर प्रदेश के आगरा से भी कुछ ऐसे ही खबरें आई। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर किस तरीके से कुछ पुलिसकर्मी एक शख्स की बुरी तरीके से पिटाई करते हुए दिख रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए एक शख्स जिसे पुलिस बुरी तरीके से लात घूंसों से मारती हुई दिख रही है, किस अंदाज में पुलिस उसके ऊपर अपना गुस्सा उतार रही है। तो तस्वीरें जो कि आपने देखा कैसे पुलिस अपने इस रवैये की वजह से, हालांकि जानी भी जाती है, कई बार लोगों को शिकायतें होती हैं कि पुलिस इसी अंदाज में लोगों के साथ में बर्ताव करती है, व्यवहार करती है, मगर आखिर वजह क्या हुई। हम कुछ ही देर में अपने सहयोगी की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ में आगरा से शिव चौहान इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। शिव चौहान, आखिर ऐसी वजह क्या हुई कि पुलिस का गुस्सा इस कदर भड़कता है कि एक शख्स को बुरी तरीके से इस तरीके से पीट रही? देखिए ये पूरा मामला आगरा के इनर रिंग रोड, जो इनर रिंग रोड लखनऊ को जोड़ता है, उस रोड का है। पीआरवी दो इनर रिंग रोड पर खड़ी हुई थी और जो शख्स पिट रहा है उसकी दुकान है पंचर की, वहां वो शख्स बैठा हुआ था। पुलिस आती है और उसे पीटना शुरू कर देती है और जबरदस्ती से उसे अपनी गाड़ी में डाल लेती है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ, अधिकारियों पर पहुंचा, अधिकारियों ने जो पुलिसकर्मी दोषी है उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, कार्रवाई की बात कह रही है। हालांकि वजह अभी सामने अभी तक नहीं आ पाई है कि आखिर इसको पीटा क्यों, अभी ये वजह सामने निकल के नहीं आई है, लेकिन अधिकारी इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। जी अब ये इसलिए भी अहम हो जाता है शिव चौहान, क्योंकि आज कई जगहों से पुलिस की ऐसी खबरें सामने आई, पुलिस का ऐसा चेहरा सामने दिखा है, और ऐसी स्थिति में क्या जिस शख्स की पिटाई हो रही है उसके करीबी लोगों की तरफ से कोई मामला दर्ज कराएगा, किसी किस्म से कोई शिकायत दी गई पुलिस में? देखिए मामला पुलिस से जुड़ा हुआ है तो अभी कोई सामने परिवारिकजन या कोई दोस्त निकल के सामने नहीं आया है या उसका साथी केस पूरी घटना की लिखित में कोई शिकायत करे, लेकिन जिस पुलिस की जिम्मेदारी पर लोगों की सुरक्षा है और उन्हीं सुरक्षा के खातिर लोग स्वतंत्र होकर घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन वही अगर पुलिस भक्षक बन जाए, लोगों के साथ मारपीट करे और इस तरह से उनके साथ अभद्र व्यवहार करे, तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर से भरोसा उठता है और पुलिस ही जो दूसरों की सुरक्षा की गारंटी देती है और वही उनको मारपीट करती है, तो कहीं ना कहीं खाकी का इस्तेमाल करता है। जाहिर तौर पर बहुत ही स्वाभाविक है ये सारी चीजें, मगर अभी तक पुलिस की तरफ से किसी किस्म के का कोई बयान या इस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई की बात नहीं कही जा रही। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।